नमस्कार, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से खुशहाल परिवार में। दोस्तों, आज के वीडियो होने वाला है काफी खास। वीडियो का अंत आपको अंत तक देखना है। वीडियो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में आज बात करेंगे हम भिंडी की फसल पर, भिंडी की अगेती खेती कैसे जो है कैसे करें, क्योंकि जो अभी किसान अगेती खेती करता है लगभग वो 100 रुपये तक की भिंडी को जो है किलो बेचता है, और जो इसी खेती को समय से नहीं करता वो फिर 10 रुपये किलो भिंडी बेचता है। तो आप 100 रुपये किलो भिंडी बेचना चाहते हैं, 10 रुपये किलो वो आपके ऊपर है। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको तैयारी खेत की करनी है, कैसे फसल को जो है तैयार करना, कौन कौन सी वैरायटी आप बो सकते हैं, तो उसके कैसे कैसे आप अच्छी उपज ले सकते हैं, तो पूरे इस वीडियो में जानेंगे हम इन सभी बातों। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सब भिंडी की बात करते हैं, तो भिंडी दोनों ऋतुओं में बोई जाती है। तो पहला तो जुलाई के आसपास, जुलाई जून और जुलाई में, और इधर ही आप फरवरी से मार्च के बीच में बो सकते हैं, जनवरी अंतिम सप्ताह या फरवरी मार्च में। तो ये भिंडी की बुआई कर सकते हैं। जो आप अगर जनवरी में या जनवरी के लास्ट तक या फरवरी के शुरुआत में भिंडी बोते हैं तो काफ़ी अच्छा रेट और काफ़ी अच्छा उत्पादन अगर आपने बो दिया तो काफ़ी अच्छी लाभ की जो फसल मिल जाएगी। तो कौन, पहले तो हम खेत की तैयारी की बात करते हैं। तो खेत की तैयारी करते समय आपको फसल में जुताई अच्छी लगभग 1-2 बार जुताई करवा दीजिए। लगभग 4 टन जो गोबर की खाद है उसको डलवा दीजिए। 1 बैग DAP, 1 बैग पोटास और 20 से 25 किलोग्राम यूरिया खेत में आपको जो है साथ मिला देनी है, और देहात स्टार्टर 4 किलो प्रति एकड़ आपको मिला देना है अपने खेत में। इतना आप मिला देते हैं तो खेत की तैयारी के लिए काफ़ी अच्छा जो है बेसल डोज आप जो है खेत को मिल जाएगी। भिंडी की फसल के लिए लगभग 5.5 से लेकर 7 पीएच मान वाली जो मृदाएं हैं काफ़ी अच्छी होती हैं। खेत को इसके बाद क्या करना है आपको, जब खेत आपको तैयार हो जाए तो खेत को या तो आपको ऊंचे बरहे बनवा लेने हैं या क्यारियां, यानी कि क्यारियां बनवा लेनी है ताकि पानी के जो है वहां पर भराव ना हो, और बीच बीच में नालियाँ बना देनी है, या तो आप उसको कूड़ों पर यानी मेड़ों पर बोएं ताकि फसल में जो पानी की वजह से फसल ख़राब ना हो, क्योंकि अगर जड़ों में पानी हो जाता है इससे फसल क्या होती है, चल नहीं पाती। तो अब इसके ऊपर बुआई करना है। बुआई करने के लिए कौन कौन सी वैरायटी आप बो सकते हैं, तो वैरायटियों में सबसे अच्छी वैरायटी आप, तो कई वैरायटियाँ वैसे आती हैं, जैसे आपकी कुछ वैरायटियों में आपको नाम बताऊँगा। इंडो अमेरिकन की एक वैरायटी आती है इंडैम 9821। अंकुर की 40 नंबर भिंडी आती है जो कि आपको देहात के अपने एप्लीकेशन मिल जाएगी। एडवांटा की राधिका आती, काफ़ी फेमस वैरायटी और काफ़ी अच्छी उत्पादन भी देती है। महको का माह 28 के नाम से आता है वैरायटी आती है भिंडी की, काफ़ी अच्छी वैरायटी है। सिजेंटा का 102 ओखरा के नाम से आती है। ये वैरायटियाँ काफ़ी अच्छी हैं, उत्पादन भी काफ़ी इनका अच्छा है, इनको बुआई आप कर सकते हैं। भिंडी काफ़ी हरे कलर की होती है, सीधी भिंडी होती है, भिंडी के पौधे में फल जो है काफ़ी अच्छा आता है, तो इसका इनकी इन वैरायटी की बुवाई कर सकते हैं। बीज की मात्रा की बात करते हैं तो वैसे 3 से लेकर 5 किलोग्राम प्रति एकड़ भिंडी की आप बुवाई कर सकते हैं। बाकी आप बुवाई की विधि के ऊपर निर्भर करती है, अगर छिड़काव भी से बुवाई करते हैं तो फसल में क्या है भिंडी की मात्रा बीज की ज़्यादा लगेगी। अगर आप कूड़ों पर बुवाई खुरपी के माध्यम से करते हैं तब आपकी काफ़ी कम जो है भिंडी का बीज लगेगा, तो आप जैसे दोनों के हिसाब से बो सकते हैं अलग अलग। अगर कूड़ों में बुआई करेंगे तो 1 से 1.5 किलोग्राम ही लगेगा, अगर आप वैसे बुआई करें तो 3 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की डोज आपको लगेगी। हमने वैरायटी बता दी, मात्रा बीज की बता दी, उसके बाद पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट आपको रखनी है, और जो कूड़ अगर आप मेड़ में बना रहे हैं तो लगभग 6 इंच के आसपास की आपके मेड़ पौधे जो है पंक्ति से पंक्ति की दूरी होनी चाहिए ताकि वो पौधा अपना जो है ज़्यादा अच्छा ग्रोथ कर सके। तापमान की इसकी बात करते हैं तो 20 से ऊपर का तापमान इसके जमाव के लिए अच्छा है, नहीं तो ये जमाव नहीं होगा। अगर आप बुआई करते हैं तो सबसे पहले आप बीज को लेकर थोड़ा सा जमाव कर लीजिए, तभी बीज को बोइए, नहीं तो आपका जो भी लागत है वो नष्ट हो जाएगी। तो जो कैसे, अब यहाँ तक हमने आपको बता दिया खेत की तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन सी वैरायटी आपको बोना है और बीज की मात्रा कितनी रहेगी, ये सब आप बुआई कर देते हैं। खरपतवार नियंत्रण की बात करता हूँ तो खरपतवार नियंत्रण के लिए आप बुआई के 3-24 घंटे के अंदर आप पेंडामेथिलीन के छिड़काव कर दीजिए,
जो भी खरपतवार जमने वाले हैं वो आपको खरपतवार नहीं उगेंगे, और बहुत कम मात्रा में लगभग 90% खरपतवार जो है कंट्रोल हो जाएंगे। 10% अगर उगते हैं तो उन्हें आप निराई गुड़ाई से निकाल सकते हैं। तो खरपतवारों की बात कर दी। उसके बाद जब आपकी 20 से 25 दिन की फसल हो जाए तो उसमें आपको थोड़ा यूरिया और साथ में आपको कोई भी माइक्रोन्यूट्रन साथ में मिला के 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ उसमें यूरिया के साथ छिड़काव डलवा खेत में डाल दीजिए। तो ये डालने के बाद आपकी फसल काफ़ी अच्छी होगी, और अगर आपकी अच्छी वैरायटियां हैं, इन वैरायटियों को बोलते हैं, तो 45 से 50 दिन में जो भी वैरायटियां वो फल देने लगेंगी और मार्केट में आपको अच्छा रेट मिलेगा। और इसके अलावा जो भी कीटनाशक और खरपतवार कीटनाशक और फंगीसाइड हैं उसकी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अगर अभी तक आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लोगों दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।